नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है एक प्लेट सैलाब। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है मन्नू भंडारी की कहानी एक प्लेट सैलाब। मई की सांझ 6:30 बजे, कुछ देर पहले जो धूप चारों ओर फैली पड़ी थी अब फीकी पड़कर इमारतों की छतों पर सिमट कर आई है, मानो निरंतर समाप्त होते अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसने कस कर कगारों को पकड़ लिया। आग बरसाती हुई हवा, धूप और पसीने की बदबू से बहुत बोझिल हो आई है। 5 बजे तक जितने भी लोग ऑफिस की बड़ी बड़ी इमारतों में बंद थे, इस समय बरसाती नदी की तरह सड़कों पर फैल गए। रीगल के सामने वाले फुटपाथ पर चलने वाले और हॉकर्स का मिला जुला शोर चारों ओर गूंज रहा है। गजरे बेचने वालों के पास से गुजरने पर सुगंध भरी तरावट का एहसास होता है, इसलिए न खरीदने पर भी लोगों को उनके पास खड़ा होना या उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। टी हाउस भरा हुआ है, उसका अपना ही शोर काफी है। फिर बाहर का सारा शोर शराबा बिना किसी रुकावट के खुले दरवाजों से भीतर आ रहा है। छतों पर फुल स्पीड में घूमते पंखे भी जैसे आग बरसा रहे हैं। एक क्षण को आंख मूंद लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टी हाउस में बैठे हैं या फुटपाथ पर। वही गर्मी, वही शोर। गेलॉर्ड भी भरा हुआ है, पुरुष अपने एयर कंडीशन चैम्बरों से थक कर और औरतें अपने अपने घरों से ऊब कर मन बहलाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। यहाँ न गर्मी है न भन्नाता हुआ शोर, चारों ओर हल्का शीतल दुधिया आलोक फैल रहा है और भिन्न भिन्न सेंटों की मादक कॉकटेल हवा में तैर रही है। टेबलों पर से उठते हुए फुसफुसाते से स्वर संगीत में ही डूब जाते हैं। गहरा मेकअप किए डायस पर जो लड़की गा रही है, उसने अपनी स्कर्ट की बेल्ट खूब कस कर बांध रखी है, जिससे उसकी पतली कमर और भी पतली दिखाई दे रही है और उसकी तुलना में छातियों का उभार कुछ और मुखर हो उठा है। एक हाथ से उसने माइक का डंडा पकड़ रखा है और जूते की टोसे वह ताल दे रही है। उसके होठों से लिपस्टिक भी लिपटी है और मुस्कान भी। गाने के साथ साथ उसका सारा शरीर एक विशेष अदा के साथ झूम रहा है। पास में दोनों हाथों से झुनझुने से बजाता जो व्यक्ति सारे शरीर को लचका लचका कर ताल दे रहा है, वह निग्रो है। बीच बीच में जब वह उसकी ओर देखती है तो आंखें मिलते ही दोनों ऐसे हंस पड़ते हैं मानो दोनों के बीच कहीं कुछ है। पर कुछ दिन पहले जब एक एंग्लो इंडियन उसके साथ बजाता था, तब भी वह ऐसे ही हंसती थी, तब भी उसकी आंखें ऐसे ही चमकती थी। इसकी हंसी और उसकी आंखों की चमक का इसके मन के साथ कोई संबंध नहीं है, वे अलग ही चलती हैं। डाइस की बगल वाली टेबल पर एक युवक और युवती बैठे हैं। दोनों के सामने पाइनएप्पल जूस के ग्लास रखे हुए हैं। युवती का ग्लास आधे से अधिक खाली हो गया है, पर युवक ने शायद एक दो सिप ही लिए हैं, वह केवल स्ट्रॉ हिला रहा है। युवती दुबली और गोरी है, उसके बाल कटे हुए हैं। सामने आ जाने पर सिर को झटके देकर वह उन्हें पीछे कर देती है। उसकी कलफ लगी साड़ी का पल्ला इतना छोटा है कि कंधे से मुश्किल से 6 इंच नीचे तक आ पाया है। चोली नुमा ब्लाउज से ढकी उसकी पूरी की पूरी पीठ दिखाई दे रही है। तुम कल बाहर गई थी, युवक बहुत ही मुलायम स्वर में पूछता है। क्यों? बाएं हाथ की लंबी लंबी पतली उंगलियों से ताल देते देते ही वह पूछती है। मैंने फोन किया था। अच्छा, पर किस लिए? आज मिलने की बात तो तय हो ही गई थी, यूं ही तुमसे बात करने का मन हो आया था। युवक को शायद उम्मीद थी कि उसकी बात की युवती के चेहरे पर कोई सुखद प्रतिक्रिया होगी, पर वह हल्के से हंसती। युवक उत्तर की प्रतीक्षा में उसके चेहरे की ओर देखता रहा, पर युवती का ध्यान शायद इधर उधर के लोगों में उलझ गया था।
इस पर युवक खिन्न हो गया। वह युवती के मुंह से सुनना चाह रहा था कि वह कल विपिन के साथ स्कूटर पर घूम रही थी। इस बात के जवाब में वह क्या क्या करेगा, यह सब भी उसने सोच लिया था। और कल शाम से लेकर अभी युवती के आने से पहले तक उसको कई बार दोहरा भी लिया था। पर युवती की चुप्पी से सब गड़बड़ा गया। वह अब शायद समझ ही नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। ओ गोरा, बालकनी की ओर देखते हुए युवती के मुंह से निकला, यह साड़ी की साड़ी बालकनी किसने रिजर्व करवा ली? बालकनी की रेलिंग पर एक छोटी सी प्लास्टिक की सफेद तख्ती लगी थी, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था रिजर्व। युवक ने सिर झुकाकर एक सिप लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज कुछ भारी हुआई थी, जैसे गला बैठ गया हो। युवती ने सिप लेकर अपनी आंखें युवक के चेहरे पर टिका दी। वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और युवक को उसकी मुस्कुराहट से थोड़ा कष्ट हो रहा था। देखो, मैं इस सारी बात में बहुत गंभीर हूँ, झिझकने से स्वर में वह बोला। गंभीर? युवती खिलखिला पड़ी थी, उसके बाल आगे को झूल गए, सिर झटक कर उसने उन्हें पीछे किया। मैं तो किसी भी चीज को गंभीरता से लेने में विश्वास ही नहीं करती। ये दिन तो हंसने खेलने के हैं, हर चीज को हल्के फुल्के ढंग से लेने के गंभीरता को बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़े लोग मच्छरों और मौसम को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं, और मैं अभी बूढ़ा होना नहीं चाहती। और उसने अपने दोनों कंधों जोर से उचका दिए। वह फिर गाना सुनने में लग गई। युवक का मन हुआ कि वह उसकी मुलाकातों और पुराने पत्रों का हवाला देकर उससे अनेक बातें पूछे, पर बात उसके गले में ही अटक कर रह गई और वह खाली खाली नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर रिजर्व की उस तख्ती पर जा लगी। एकाएक उसने लगा जैसे वह तख्ती वहां से उठकर उन दोनों के बीच आ गई है और प्लास्टिक के लाल अक्षर नियॉन लाइट के अक्षरों की तरह दिप दिप करने लगा। तभी गाना बंद हो गया और सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गाना बंद होने के साथ ही लोगों की आवाजें धीमी हो गई, पर हॉल के बीचों बीच एक छोटी टेबल के सामने बैठे एक स्थूलकाय खद्दरधारी व्यक्ति का धारा प्रवाह भाषण स्वर के उसी स्तर पर जारी रहा। सामने पतलून और बुश शर्ट पहने एक दुबला पतला व्यक्ति उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है। उनके बोलने से थोड़ा थोड़ा थूक निकल रहा है, जिसे सामने वाला व्यक्ति उसे पूछता है कि उन्हें मालूम ना हो, पर उनके पास शायद इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने लायक समय ही नहीं है। वे मूड में आए हुए हैं। गांधी जी की पुकार पर कौन व्यक्ति अपने को रोक सकता था भला? क्या दिन थे वे भी। मैंने बिजनेस की तो की ऐसी की तैसी और देश सेवा के काम में जुट गया, फिर तो सारी जिंदगी पॉलिटिकल सफर की तरह ही गुजार दी। सामने वाला व्यक्ति चेहरे पर श्रद्धा के भाव लाने का भरसक प्रयत्न करने लगा। देश आजाद हुआ तो लगा कि असली काम तो अब करना है। सब लोग पीछे पड़े कि मैं खड़ा हूँ, मिनिस्ट्री पक्की है, पर नहीं साहब, यह काम अब अपने बस का नहीं रहा। जेल के जीवन ने काया को जर्जर कर दिया। फिर यह भी लगा कि नवनिर्माण में नया खून ही आना चाहिए, सो बहुत पीछे पड़े तो बेटों को झोंका इस चक्कर में। उन्होंने समझाया, जिंदगी भर के हमारे त्याग और परिश्रम का फल है यह आजादी। तुम लोग अब इसकी लाज रखो, बिजनेस हम संभालते हैं। युवक शब्दों को ढेलता सा बोला, आपकी देशभक्ति को कौन नहीं जानता? वे संतोष की एक डगार लेते हैं और जेब से रुमाल निकाल कर अपनी मुंह और मूछों को साफ करते हैं। रुमाल वापस जेब में रखते हैं और पहलू बदलकर दूसरी जेब से चांदी की डिबिया निकाल कर पहले खुद पान खाते हैं, फिर सामने वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा देते हैं। जी नहीं, मैं पान नहीं खाता। कृतज्ञता के साथ ही उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव उभर जाता है। एक यही लत है जो छूटती नहीं। पान की डिबिया को वापस जेब में रखते हुए वे कहते हैं, इंग्लैंड गया तो हर सप्ताह हवाई जहाज से पानी की गड्डी आती थी।
जब मन की बेचैनी केवल चेहरे से नहीं संभलती तो वह धीरे धीरे हाथ रगड़ने लगता है। पान को मुंह में एक ओर ठेल कर वे थोड़ा सा हकलाते हुए कहते हैं, अब आज का ही मिसाल लो, हमारे वर्ग का एक भी आदमी गिना दो जो अपने यहाँ के कर्मचारी की शिकायत इस प्रकार सुनता हो। पर जैसे ही तुम्हारा केस मेरे सामने आया, मैंने तुम्हें बुलाया, यहाँ बुलाया। जी हाँ, उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव और अधिक मुखर हो जाता है। वह अपनी बात शुरू करने के लिए शब्द ढूंढने लगता है। उसने बहुत विस्तार से बात करने की योजना बनाई थी, पर अब सारी बात को संक्षेप में कह देना चाहता है। सुना है तुम कुछ लिखते लिखाते भी हो। एकाएक हॉल में फिर संगीत गूंज उठता है। वे अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हैं। युवक का उत्सुक चेहरा थोड़ा और आगे को झुकाता है। तुम चाहो तो हमारी इस मुलाकात पर एक लेख लिख सकते हो। मेरा मतलब, लोगों को ऐसी बातों से नसीहत और प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी पान शायद उन्हें वाक्य पूरा नहीं करने देता। तभी बीच की टेबल पर आई उई का शोर होता है और सबका ध्यान अनायास ही उधर चला जाता है। बहुत देर से ही वह टेबल लोगों का ध्यान अनायास ही खींच रही थी। किसी के हाथ से कॉफी का प्याला गिर पड़ा है। बैड़ा झाड़न लेकर दौड़ पड़ा और असिस्टेंट मैनेजर भी आ गया। दो लड़कियां खड़ी होकर अपने कुर्तों को रुमाल से पोंछ रही हैं, बाकी लड़कियां हंस रही हैं। सभी लड़कियों ने चूड़ीदार पजामे और ढीले ढीले कुर्ते पहन रखे हैं। केवल एक लड़की साड़ी में है और उसने ऊंचा सा जूड़ा बना रखा है। बातचीत और हाव भाव से सब मिरेंडियंस लग रही हैं। मेज साफ होते ही खड़ी लड़कियां बैठ जाती है और उनकी बातों का टूटा क्रम चल पड़ता है। पापा को इस बार हार्ट अटैक हुआ है, सो छुट्टियों में कहीं बाहर तो जा नहीं सकेंगे। हमने तो सारी छुट्टियां यहीं बोर होना है। मैं और मम्मी सप्ताह में एक पिक्चर तो देखते ही हैं। इट्स ए मस्ट फॉर अस। छुट्टियों में तो हमने दो देखनी है। हमारी किटी ने बड़े स्वीट पप्स दिए हैं। डैडी इस बार उसे मीट करवाने मुंबई ले गए थे। किसी प्रिंस का एसोसिएशन था। मम्मी बहुत बिगड़ी थी, उन्हें तो दुनिया में सब कुछ वेस्ट करना ही लगता है। पर डैडी ने मेरी बात रख ली एंड इट पेड अस आल्सो। रियली पप्स बहुत स्वीट है। इस बार मम्मी ने पता है क्या कहा? छुट्टियों में किचन का काम सीखो। मुझे तो बाबा किचन के काम नाम से ही एलर्जी है। मैं तो इस बार मोराविया पढ़ूंगी। हिंदी वाली मिस ने हिंदी नॉवेल्स की एक लिस्ट पकड़ाई है। पता नहीं, हिंदी के नॉवेल्स तो पढ़े ही नहीं जाते, वह जोर से कंधे उचका देती है। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और चुस्त दुरुस्त शरीर और रोबदार चेहरा लिए एक व्यक्ति भीतर आता है। भीतर का दरवाजा खुलता है तब वह बाहर का दरवाजा बंद हो चुका होता है, इसलिए बाहर के शोर और गर्म हवा का लवलेश भी भीतर नहीं आ पाता। सीढ़ियों के पास वाले कोने की छोटी सी टेबल पर दीवार से पीठ सटाए एक महिला बड़ी देर से बैठी है। ढलती उम्र के प्रभाव को भरसक मेकअप से दबा रखा है। उसके सामने कॉफी का प्याला रखा है और वह बेमतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब टेबलों की ओर देख लेती है। आने वाले व्यक्ति को देखकर उसके ऊब भरे चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है और वह उस व्यक्ति को अपनी ओर मुखातिब होने की प्रतीक्षा करती है। खाली जगह देखने के लिए वह व्यक्ति चारों ओर नजर दौड़ा रहा है। महिला को देखते ही उसकी आंखों में परिचय का भाव उभरता है और महिला के हाथ हिलाते ही वह उधर ही बढ़ जाता है। हेलो, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी मिसेज रावत, फिर कुर्सी पर बैठने से पहले पूछता है, आप यहाँ किसी का वेट तो नहीं कर रही है? नहीं जी, घर में बैठे बैठे या पढ़ते पढ़ते जब तबीयत ऊब जाती है तो यहाँ आ बैठती हूँ। दो कप कॉफी के बहाने घंटा डेढ़ घंटा मजे से कट जाता है। कोई जान पहचान का फुर्सत में मिल जाए तो लंबी ड्राइव पर ले जाती हूँ। आपने तो किसी को टाइम नहीं दे रखा है ना? नो, बाहर ऐसी भयंकर गर्मी है कि बस एकदम आग बरस रही है। सोचा यहाँ बैठकर एक कोल्ड कॉफी ही पी ली जाए, बैठते हुए उसने कहा।
जवाब से कुछ आश्वस्त हो मिसेज रावत ने बैरे को कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया। और बताइए मिसेज आहूजा, कब लौटने वाली हैं? साल भर तो हो गया ना उन्हें। गॉड नोस, वह कंधे उचका देती है और फिर पाइप सुलगाने लगता है। एक कश खींच कर टुकड़ों टुकड़ों में धुआं उड़ा कर पूछता है, छुट्टियों में इस बार आपने कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है? जहाँ का भी मूड आ जाए चल देंगे, बस इतना तय है कि दिल्ली में नहीं रहेंगे। गर्मियों में तो यहाँ रहना असंभव है। अभी यहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठेंगे तब तक शरीर झुलस जाएगा। सरके तो जैसे भट्टी हो रही है। गाने का स्वर डाइस से उठकर फिर सारे हॉल में तैर गया। ऑन संडे आई एम हैप्पी, नॉनसेंस, मेरा तो संडे ही सबसे बोर दिन होता है। तभी संगीत की स्वर लहरियों के साये में फैले हुए भिनभिनाते से शोर को चीरता हुआ एक असंजत सा कोलाहल सारे हॉल में फैल जाता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठ जाती है। विचित्र दृश्य है, बाहर और भीतर के दरवाजे एक साथ खुल गए हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों के दो दो चार चार के झुंड हल्ला गुल्ला करते भीतर घुस रहे हैं। सड़क का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है जिस पर एक स्टेशन वैगन खड़ी है। आसपास कुछ दर्शक खड़े हैं और उसमें से बच्चे उछल उछल कर भीतर दाखिल हो रहे हैं। बॉबी इधर आ जा, निद्दू मेरा डिब्बा लेते आना। बच्चों के इस शोर के साथ साथ बाहर का शोर भी भीतर आ रहा है। बच्चे टेबलों से टकराते, एक दूसरे को धकेलते हुए सीढ़ियों पर जाते हैं। लकड़ी की सीढ़ियां कारपेट पीछा होने के बावजूद धम धम करके बज उठी। हॉल की संयत शिष्टता एक झटके के साथ बिखर जाती है। लड़की गाना बंद करके मुग्ध भाव से बच्चों को देखने लगती है। सबकी बातों पर विराम चिन्ह लग जाता है और चेहरों पर एक विस्मयपूर्ण कौतुक फैल जाता है। कुछ बच्चे बालकनी की रेलिंग पर झूलते हुए से हॉल में गुब्बारे उछाल रहे हैं, कुछ गुब्बारे कारपेट पर आ गिरे हैं, कुछ कंधों पर सिरों से टकराते हुए टेबलों पर लुढ़क रहे हैं, तो कुछ बच्चों की किलकारियों के साथ साथ हवा में तैर रहे हैं, नीले पीले हरे गुलाबी। कुछ बच्चे ऊपर उछल उछल कर कोई नर्सरी राइम गाने लगते हैं तो लकड़ी का फर्श धम धम बज उठता है। हॉल में चलती फिल्म जैसे अचानक टूट गई हो। अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी की कहानी एक प्लेट सैलाब। कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को दबाएं और अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।